जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। अपने पति और जीजा से परेशान महिला एसएसपी की शरण में पहुंची। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के रसबहार कॉलोनी निवासी महिला ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पति के साथ न्यायालय में तलाक का मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद भी उसका पति आए दिन उसे प्रताड़ित कर रहा है। महिला का आरोप है कि उसकी बहन का पति भी उससे मिल गया है और अब वह दोनों मिलकर उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो और मैसेज भेजकर प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही आए दिन गाली गलौज कर बदनाम करने की धमकी देते हैं। उसने कई बार पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अंशु शर्मा, कहाँ रहती हो? रसबहार कॉलोनी में। क्या समस्या लेके आई आज? हम 8 साल से हम बहुत परेशान है। हमारे घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। पति बहुत परेशान है। दोनों हस्बैंडों के साथ मेरा पति मिल गया है और दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया है। हम बहुत परेशान है। और अमित शर्मा जो उनके हस्बैंड है और हमको मारने की धमकी देता है, हमारे बच्चे को मारने की धमकी देता है और रोज कहता बाहर घर से बाहर निकल गोली मार देंगे। इनके हस्बैंड कहते घर से बाहर निकल गोली मार दे। हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पूरी सोसाइटी में हमको बदनाम कर दिया है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। क्यों परेशान कर रहे हैं वो आपको? दहेज मंगा रहे हैं। कहते 5 लाख रुपए इन लोगों से, कहते 5 लाख रुपए लाओ और इसके बाद रखेंगे और इससे कहो कि अपना मतलब केस वापस ले। किसका केस चल रहा है? मेरा केस चल रहा है, अंशु शर्मा का। कब से चल रहा है? 2018 से। द घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का चल रहा है। आप पुलिस के पास गई थी? तो हमने सब जगह लगाया एप्लीकेशन। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप यहाँ आए एसपी ऑफिस? आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि आप सीपरी थाने जाइए, आपका पूरा होगा काम।